सजा मिलने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए संजय दत्त, कहा तय वक्त पर सरेंडर करूंगा। संजय दत्त ने कहा अदालत के फैसले का करता हूं सम्मान। बात करते करते रो पड़े संजय दत्त, बेहद भावुक हो गए संजय दत्त, बहन प्रिया की आंखों से निकल पड़े आंसू। संजय दत्त ने कहा सदमे में है पूरा परिवार, सजा से मैं भी टूट चुका हूं। भावुक संजय दत्त ने कहा देश से करता हूं प्यार, देश के लोगों से करता हूं प्यार। संजय दत्त ने कहा माफी की अपील नहीं करूंगा, ना ही दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका। बहन प्रिया दत्त के साथ मीडिया के सामने आए संजय दत्त, बेहद टूटे और थके लग रहे थे संजय दत्त। कहा फिल्म प्रोड्यूसर का नहीं चाहता नुकसान, समय पर फिल्में पूरी करने की करूंगा कोशिश। फिल्म परवेश गिरी की शूटिंग के लिए आज पहली बार निकले संजय दत्त, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हफ्ते बर्बाद शूटिंग पर निकले। संजय को पूरी करनी है करीब 8 फिल्में, 250 करोड़ से ज्यादा रकम लगी है दांव पर। सुप्रीम कोर्ट ने आम एक्ट के तहत सुनाई है 5 साल की सजा, पहले 6 साल की हुई थी सजा। 1.5 साल की जेल काट चुके हैं संजू, अभी बाकी है 3.5 साल की सजा। संजय की सजा को लेकर देश की राजनीति में मचा है हड़कंप, कई नेता कर चुके हैं माफी की अपील। जया बच्चन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की थी माफी की अपील, फिल्म जगत से भी उठी थी माफी देने की मांग। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस कार्टेजू ने भी महाराष्ट्र के राज्यपाल को लिखी थी माफी की चिट्ठी, इसके बाद देश में चल गई थी बहस। आज तक से बोले जस्टिस काटजू, कहा 1.5 साल की सजा काटने के बाद संजय का अगले 5 साल तक बहिष्कार किया गया। काटजू ने आज तक से कहा सजा का मतलब जेल काट नहीं, सामाजिक आर्थिक बहिष्कार भी सजा का ही हिस्सा। संजय दत्त की माफी अपील दायर करने से इंकार करने पर बोले काटजू, संजय न भी करें तो कानूनन कोई भी कर सकता है अपील। जस्टिस काटजू ने कहा मरुनाम मामले का दिया हवाला, गांव 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला, इसलिए मैंने माफी की अपील भी न्याय और तरसंगत है। काटजू ने आज तक से कहा संजय दत्त और जैबुन्निसा को इंसानियत के नजरिए से दी जानी चाहिए माफी। जस्टिस काटजू ने जैबुन्निसा काजी को भी माफी देने की वकालत की, कहा राष्ट्रपति और राज्यपाल को लिखेंगे चिट्ठी। 70 साल की जैबुन्निसा काजी भी अवैध हथियार रखने की दोषी, 5 साल की मिली है सजा। जैबुन्निसा की बेटी ने किया था काटजू को ईमेल, मां की माफी के लिए भी अपील करने की थी मांग। ईमेल पढ़ने के बाद काटजू ने 2 दिनों तक किया विचार, उसके बाद जैबुन्निसा के लिए अपील करने का किया फैसला। काटजू ने लिखा जैबुन्निसा का हुआ है किडनी का ऑपरेशन, जेल काटना मुश्किल। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पर तेज किया हमला, कांग्रेस को धोखेबाज करार दिया। होली पर अपने गांव सैफई पहुंचे मुलायम ने कांग्रेस को सुनाई खरी खरी, कहा कांग्रेस हमेशा अपने वादे भूल जाती थी। मुलायम सिंह यादव का दावा अगले चुनाव में तीसरे मोर्चे की ही बनेगी सरकार। मुलायम ने कहा लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें यूपी में, यूपी जो चाहेगा वही दिल्ली में होगा। मुलायम सिंह यादव बोले इस बार आम चुनाव के बाद वो निभाएंगे किंग मेकर की भूमिका। राजीव प्रताप रूड़ी ने मुलायम की नियत पर उठाए सवाल, कहा मुलायम बताएं कांग्रेस के साथ कौन सी सौदेबाजी कर रही है समाजवादी पार्टी। राहुल गांधी के पीएम बनने पर राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कांग्रेस के पास नेतृत्व का अभाव। कांग्रेस के नेता जगदंबिका पाल ने कहा सब कभी कामयाब नहीं रहा तीसरा मोर्चा, भविष्य में भी इसका कोई अस्तित्व नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता राम हसरे कुशवाहा ने जगदंबिका पाल के दावे को किया खारिज, कहा तीसरे मोर्चे की बनेगी अगली सरकार।
सीबीआई नेता सुब्रम सुधाकरन रेड्डी ने किया मुलायम का समर्थन, कहा सरकार का विकल्प जरूरी। बीजेपी नेता बलबीर पुंज का बयान, मुलायम ने जो कहा वही पूरा देश कह रहा है। आज मोदी से मिलेंगे अमेरिकी सांसद, गुजरात के साथ व्यापारिक रिश्ते और मजबूत करने पर जोर। इलिनॉय से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद अरुण चौक कर रहे हैं टीम की अगुवाई, गुजरात सरकार से बेहतर संबंध बनाने पर जोर। गुजरात सरकार के प्रवक्ता सौर पटेल ने कहा दो दिनों तक अहमदाबाद में रुकेंगे बिजनेस डेलीगेशन, कई अहम मुद्दों पर होगी बात। अमेरिकी सांसदों की गुजरात यात्रा से मोदी सरकार गदगद, हाल ही में ब्रिटेन ने भी गुजरात में व्यापार बढ़ाने पर दिया था जोर। बिजली पानी को लेकर दिल्ली में अनशन पर बैठे केजरीवाल की सेहत बिगड़ी, खराब सेहत के बावजूद अनशन पर डटे। बुधवार को डॉक्टर्स की टीम ने की केजरीवाल की सेहत की जांच, अनशन के चलते शरीर में लगातार बढ़ रहा है कीटोन लेवल। केजरीवाल के अनशन का आज है छठा दिन, शीला सरकार के खिलाफ छेड़ रखी है मुहिम। बिजली के बढ़े हुए दामों के खिलाफ केजरीवाल का आंदोलन, लोगों से बिजली बिल जमा नहीं करने की अपील की। केजरीवाल की टीम का दावा, 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने भरा फॉर्म, बिल नहीं भरने की खाई कसम। आध्यात्मिक गुरु आसाराम का ऐलान, अब नहीं होगा सत्संग कार्यक्रम, एकांतवास से जाऊंगा। सूरत के अपने आश्रम में हुए सत्संग, बोले आसाराम ये उनका आखिरी कार्यक्रम। पानी से कोहली खेलने को लेकर हुई आलोचना पर बोले आसाराम, कहा मेरे पास चमत्कारी शक्तियां, जब चाहूं भी बारिश करवा सका। आसाराम ने किया दावा, बारिश क्या उनके पास हवा का रुख बदलने की भी शक्ति। नागपुर और नवी मुंबई में आसाराम के कार्यक्रमों को लेकर उठा था विवाद, आसाराम पर पानी की बर्बादी का लगा था आरोप। मुंबई के वर्सोवा में अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर के साथ बसलूकी, हुड़दंगियों ने की धक्का मुक्की। होली पर पड़ोस की सोसाइटी में चल रहा था रेन डांस, अमरापुरकर ने पानी की बर्बादी का किया था विरोध। अमरापुरकर की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस, कहा दोषी लोगों पर कार्रवाई करेंगे। पुणे में एक वकील सरेआम पिटाई, हमलावरों ने हाथ तोड़ा, घायल वकील अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के करीबी कार्यकर्ता और नगर सेवक के बेटे पर लगा आरोप, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली के कल्याणपुरी में खूनी होली, अनजान हमलावरों ने गोली मार कर की युवक की हत्या। अपने ससुराल में होली खेलने आया था राहुल, घर से बुलाकर मार गई गोली। घटना के बाद लोगों में गुस्सा, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आपसी रंजिश का मामला बताया। बिहार के बेगूसराय में होली खेलने को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प, एक ही परिवार के तीन लोगों को मारी गोली, एक की मौत। गोलीबारी के बाद गांव वालों का फूटा गुस्सा, दबंगों की दो दुकानों और मोटरसाइकिल में लगाई आग। कानपुर में होली पर 8 परिवारों के घरों में मातम, गंगा में नहान गए 5 लड़कों की डूबकर मौत, गंगा बैराज पर भी 3 लोगों की डूबकर मौत। घरवालों के मुताबिक होली खेलने के बाद स्त्री गंगा में नहाने गए थे, स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। झारखंड के चाईबासा में भी होली पर मातम, तालाब में नहाने गए 2 छात्रों की डूबने से हुई मौत। 10वीं में पढ़ने वाले 3 लड़के नदी में गए थे नहाने, एक घायल छात्र का अस्पताल में चल रहा है इलाज। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत, घर के मुखिया ने प्रसाद में जहर मिलाकर खिलाया।
दो दिन पहले दिल्ली के कड़कड़मा मेट्रो स्टेशन के बाहर पत्नी और ससुर को गोली मारने वाले शख्स की गाजियाबाद में मिली लाश, पेड़ से लटका मिला शव। पुलिस को फरादनगर में पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस को शक आरोप ने की होगी खुदकुशी। पवन ने मेट्रो स्टेशन पर अपनी पत्नी और ससुर को मारी थी गोली, पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ा था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के एक गांव में महिला से रेप, पंचायत सदस्य पर लगा बलात्कार का इल्जाम। आंधी तूफान से बचने के लिए महिला के घर पहुंचा था आरोपी, घर में अकेला पाकर हवस का शिकार बना, पुलिस ने पहले नहीं लिखी शिकायत, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मामला। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर जेसी राइडर पर जानलेवा हमला, बेहद नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। चार लोगों ने बीती रात एक बार के बाहर राइडर पर किया हमला, सिर पर कई जगह फ्रैक्चर, कोमा में राइडर। वेलिंगटन टीम के साथियों के साथ राइडर गए थे बाहर, पुलिस कर रही है मामले की तहकीकात। आईपीएल खेलने राइडर को भारत आना था, दिल्ली डेयरडेविल्स टीम में है राइडर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पुणे वॉरियर्स के भी खेल चुके हैं राइडर, फरवरी 2012 में आखिरी बार न्यूजीलैंड के खेला था। राइडर की सलामती के लिए दुनिया भर के क्रिकेटर्स की दुआ, मुरली कार्तिक ने कहा हमले की खबर सुनकर झटका लगा। आकाश चोपड़ा ने कहा राइडर की हालत से चिंतित, भगवान से जल्द ठीक होने की कामना की। श्रीलंकाई टीम के कोच टॉम मूडी ने कहा राइडर की सलामती के लिए दुआ कर रहा हूं, दुख की इस घड़ी में राइडर के परिवार के साथ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर नाथन ब्रेकन किया ट्वीट, राइडर पर हमला गंभीर चिंता की बात। इंग्लैंड के क्रिकेटर ग्राम स्वान ने कहा खबर सुनकर सदमा लगा, ईश्वर से जल्द ठीक होने की दुआ। आईपीएल में चेन्नई में होने वाले मैच से श्रीलंकाई क्रिकेटर्स को दूर रखने पर भड़के श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा, फैसले की जमकर की आलोचना। रणतुंगा ने कहा अगर श्रीलंकाई क्रिकेटर्स चेन्नई में नहीं खेल सकते तो उन्हें दूसरे शहरों में भी नहीं खेलना चाहिए। श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा बोले अगर क्रिकेटर्स का भारत के एक हिस्से में स्वागत नहीं होता तो उन्हें आईपीएल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तमिलनाडु में श्रीलंकाई क्रिकेटर्स के खिलाफ तेज हुआ विरोध, कोयम्बटूर में सड़क पर उतरे वकील। वकीलों की मांग श्रीलंकाई क्रिकेटर्स को पूरे देश में कहीं नहीं मिले खेलने की इजाजत। परिणय सूत्रों में बंधे क्रिकेटर यूसुफ पठान मुंबई में अपनी मंगेतर आफरीन के साथ रचाई शादी। मुंबई में पली बढ़ी अफरीन पेशे से हैं फिजियोथेरेपिस्ट, शादी समारोह में विवाह बंधन में बंधे। पिछले साल नदियाड में दोनों की हुई थी सगाई, सगाई की तरह शादी समारोह को भी प्राइवेट रखा गया। बड़े भाई की शादी में खूब जस रहे थे इरफान, परिवार और निजी रिश्तेदार ही थे शादी में मौजूद। निकाह के बाद मुंबई में रखी गई रिसेप्शन पार्टी, आज वडोदरा में रिसेप्शन कार्यक्रम। करोड़पति बन गई पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, 16 करोड़ रुपए में किया आत्मकथा लिखने का फरार। आई एम मलाला नाम से इस साल के अंत तक आएगी किताब, इंग्लैंड के पब्लिशर से किया है फरार। 15 साल की मलाला को तालिबान ने मारी थी गोली, लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने पर बनी थी तालिबानियों का शिकार। पत्रकार नजम सेठी पाकिस्तान पंजाब प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने, पीपीपी और सहयोगी दलों ने सेठी को मनोनीत किया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को भेजे नोटिस, रेटल पावर प्रोजेक्ट मामले में 2 हफ्ते के अंदर अदालत में हाजिर होने का आदेश।